हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TNF लवर्स। नई सुबह नई जगह के साथ इस बार हम आपको ले जाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर इंटरनेशनल ट्रिप पे। जो लोग हमसे पहले इस कंट्री को विज़िट कर चुके हैं उनके लिए दोबारा से मेमोरीज़ चेरिश करने का टाइम है, और जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो डू कीप वॉचिंग अस। हम इंडिया में तो बहुत बार घूम चुके हैं, बट दिस टाइम वी थॉट ऑफ चूजिंग एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, सो हमने थाईलैंड को चुना। हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक। वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड सिटिंग इन एन एरोप्लेन इज अगेन एंड ऑलवेज फैसिनेटिंग। वी हैव जस्ट नाउ एंटर्ड। बैंकॉक इज बेसिकली अ थाईलैंड कैपिटल, सो वहाँ पर जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ एडवांस में नहीं करनी पड़ती, और ऑन अराइवल वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हम आपको कंप्लीट डिटेल्स आगे वीडियो में बताएंगे, आप किस तरह अपनी फैमिली के साथ एक सडन ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको अपने साथ कैरी करनी होती हैं, दैट इज़ योर फ्लाइट टिकट्स, योर होटल रिजर्वेशन एडवांस टिकट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और वहाँ पर आपको बैंकॉक में लैंड करते ही एक फॉर्म दिया जाता है छोटा सा इमिग्रेशन ऑफिस के थ्रू, जिसको भरना होता है ऑन द स्पॉट। पर पर्सन ऑन अराइवल वीज़ा फीस इज 2000 बैंकॉक बाट। आप चाहें तो फास्ट वीज़ा प्रोसेसिंग लाइन को भी चूज़ कर सकते हैं बाय गिविंग 200 भट एक्स्ट्रा पर पर्सन। सो फाइनली नाउ इट्स टाइम टू लैंड इन बैंकॉक। बैंकॉक में उतरते ही पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है वो है हमारा सिम कार्ड। सो देर आर प्लेंटी ऑफ शॉप्स और काफ़ी सारी यहाँ पे आउटलेट्स हैं जहाँ पे आप एयरपोर्ट से ही अपना सिम कार्ड ले सकते हैं। हमारा होटल एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में बुक था और एयरपोर्ट से एग्जैक्टली 1 आवर अवे, सो वी एंजॉयड द रूट थरोली। I'm not sure if, but some people call expensive. Some people are okay. Okay. Thank you. ไปถ้าไม่ไปเราก็ไม่ไปเพราะรถมันเยอะแยะเราก็ต้องรอไปคันอื่นดีกว่า We just confirmed one word that 400 will go or not go. If not, we won't go because there are a lot of cars. We have to wait for other cars. Okay. थाईलैंड में आते ही थाईलैंड की मस्त फीलिंग आ गई। कार में बैठते ही टैक्सी ड्राइवर ने हमारे साथ बहुत बातें करी। ही वॉज इवन मोर एक्साइटेड जब उसको पता लगा हम इंडियंस हैं। उसने बहुत क्वेश्चंस इंडिया के बारे में पूछे और हमने बहुत सारे बैंकॉक थाईलैंड के बारे में क्वेश्चंस पूछे, एंड ऑल कम्युनिकेशन वेंट थ्रू गूगल ट्रांसलेट। सो बेटर आप सब भी उसमें गूगल ट्रांसलेट ज़रूर अपने साथ इंस्टॉल करके रखें। बैंकॉक में पहुँचते ही हमने पहला काम किया अपने होटल में लगेज ड्रॉप करा रूम में, और नीचे आ गए क्योंकि नीचे बहुत ही सुंदर मार्केट लगी हुई थी। दैट वाज अ कंप्लीटली क्लॉथ मार्केट एंड आल्सो सम यम्मी डिलीशियस फूड आइटम्स दैट वी कुड सी। तो हम लोग पूरी रात हमने शाम को वो एक्सप्लोर किया अपने आसपास। थाईलैंड तो यहाँ पे एक पूरी स्ट्रीट है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट हैं। इफ़ यू सी मद्रास दरबार, सांझा चूल्हा, शी काठियावाड़ ढाबा, गगन ढाबा, आगे चोटी वाला, तो साउथ इंडियन यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो यू कैन ऑलवेज एंजॉय इंडियन फूड ऑल्सो। इट इज लिटिल यू नो हार्ड टू बिलीव कि इतने सारे रेस्टोरेंट हैं वो भी इन द हार्ट ऑफ सिटी, इन द हार्ट ऑफ बैंकॉक। मेन बिल्डिंग है यहाँ पे
और उसके जस्ट साथ में सारे इतने सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, ये पूरी लेन इंडियन रेस्टोरेंट्स की है और काफ़ी लोग अंदर बैठे भी हुए हैं जो खाना खा रहे हैं। तो हमें थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है ना, एक डोसा 400 रुपए का मिल रहा है यहाँ पे पकोड़े वही एक बहुत बड़ी बात नहीं, पकोड़े भी 400 रुपए, वेज पकोड़े ऑलमोस्ट 400 रुपीज़। सो थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसका रीज़न भी बताया उसने, जो कुल्फी यहाँ पे मिल रही है 150 रुपए की, वो इंडिया से आ रही है, वो इंडिया से यहाँ आई है और जो यहाँ की कुल्फी थी वो सस्ती थी, वो 100 रुपए की। सो दैट इज़ द रीज़न ये क्यों कॉस्टली है। आज पूरी शाम हमने स्पेंड की है बैंकॉक में और बहुत सारी मार्केट घूमी है, खाना भी है, डिनर भी किया है। यहाँ पे बेसिकली मेनली जो मार्केट्स हैं वो कपड़े की हैं, राइट, और फूड स्टॉल्स हैं और सरप्राइजिंगली फ्रूट्स बहुत अच्छा मिल रहा है। हमने मैंगो जूस लिया, नारियल भी बहुत अच्छा, फ्रूट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, राइट। हमने अमरूद खाया, वो भी बहुत टेस्टी था, और पाइन एप्पल इतना टेस्टी, यम्मी अनार, पाइन एप्पल, सारे फ्रूट, मतलब दीज आर एम्पल, मतलब जितना मर्जी आप अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे मिल रहे हैं। अनार तो मैंने ऐसा इतना इस तरह का अनार नहीं देखा, इतना डार्क डार्क उसका वो था, इसका बीज जो इतना डार्क था। सी फूड में सिर्फ सी फूड नहीं है, मतलब जितना सी फूड है उतना ही मुझे आज यहाँ पे फ्रूट्स भी नजर आया। पीपल हु आर वेजिटेरियन दे कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर सम यम्मी फ्रूट्स आउट हियर। अभी 10:30 बज चुके हैं और अभी भी मार्केट पूरी खुली हुई है, बहुत लोग घूम रहे हैं। बाकी हाँ, स्ट्रीट फूड में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब करेंगे झींगे विंगे सब फ्राई हो के पक रहे थे ऐसा कोई तरह का कीड़ा मकोड़ा नहीं है जिसको फ्राई करके सर्व नहीं कर रहे थे, तो उसकी भी पूरी यहाँ पे वैरायटी है। और वेदर भी अच्छा हो गया, हवा चल रही है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ पे, ऑसम है, अभी हवा चल रही है, जैसे हमारे यहाँ पे, बट मुझे लग रहा है कल दोपहर में गर्मी होगी, शाम को अच्छा हो गया है, अभी दोपहर में थोड़ा गर्मी होगी, ह्यूमिड भी है पर प्लेजेंट है काफी। हमें 3 घंटे हो गए वॉक करते हुए, बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा, और हमारा होटल बहुत ही सुंदर है, इतना बड़ा रूम है उसके अंदर, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रूम होगा। अभी रूम टूर भी देंगे हम एक छोटा सा, तो होटल से व्यू भी बहुत प्यारे हैं, हम लोग 31 फ्लोर पे हैं, 31st फ्लोर पे हैं, राइट। सो वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमारे इस बिल्डिंग में 120 फ्लोर्स है, आई गेस, राइट, 100+ फ्लोर्स हैं, सो हम सोच रहे हैं एक दिन एक्सटेंड करके ऊपर वाले फ्लोर में स्टे करें। अभी तक का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, रूम भी बहुत बड़ा है, स्पेसियस है, व्यू भी बहुत प्यारा आ रहा है वहाँ से। सो हम 3 नाइट्स रुकेंगे यहाँ पे और देखते हैं आगे कैसा रहता है, आपको बताएंगे। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग 6 बजे के आसपास उठे और उठते ही मैंने नीचे की तरफ झांका और नीचे झांकते ही आई वाज सरप्राइज टू सी कि जो मार्केट रात में लगी हुई थी वो मॉर्निंग में भी लगी हुई थी और इट वाज फुल्ली क्राउडेड। सो आई गॉट एक्साइटेड और फिर मैं जल्दी से रेडी हुआ और नीचे चला आया घूमने। ये कुछ वीडियोस हैं नीचे घूमते हुए अराउंड 7 AM। एक्चुअली ये कपड़ों की मार्केट है, फ्ली मार्केट जो हमारे इंडिया में भी लगती है, बट यहाँ कपड़े काफ़ी सस्ते थे और काफ़ी कुछ कॉटन का भी मिल रहा था। सरप्राइजिंगली मॉर्निंग में ही इतनी भीड़ थी तो देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि लोग तैयार होके घूम रहे थे सुबह 6 बजे 7 बजे से। फिर मैंने मार्केट का पता भी किया कि भाई इतनी कितने बजे लगती है मार्केट, तो सबने बताया कि इट्स ऑलमोस्ट 5 AM स्टार्ट हो जाती है और 8-9 बजे वाइंड अप भी हो जाती है। सो अगर आप 9 बजे यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा कि कोई ये प्रॉपर रोड है जहाँ पे टैक्सियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, विच इज़ वेरी गुड, काफ़ी इम्प्रेसिव है कि 2-3 घंटे के लिए मार्केट लगती है और एकदम वाइंड अप भी जाती है, फिर शाम को फिर दोबारा से उसी जगह मार्केट लगती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमारे होटल के जस्ट नीचे ही था तो हम लोग बहुत बार इस मार्केट में घूमने आए, हम लोगों ने काफ़ी दिन स्टे किया तो ऑलमोस्ट डेली हम लोग नीचे घूमने आते थे। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्लोथ्स हैं, स्पेशली ये हमारा होटल है जिसमें हम 31st फ्लोर पर रुके थे और ये हमारे होटल से व्यू आ रहा है।
चारों तरफ ब्यूटीफुल व्यू। बेसिकली ये हमारे होटल की लॉबी एरिया है, तो विच इज़ ऑन 12th फ्लोर। सो जब भी आपको अपने रूम में जाना होता है तो पहले आपको एक बार लॉबी में आना पड़ता है। सो ये लॉबी एरिया है जहाँ से पूरा बैंकॉक दिखाई देता है। आज हम आ चुके हैं अपने ही होटल की सबसे ऊंची फ्लोर पर। सबसे ऊंचा नहीं है, इससे ऊपर भी है। अच्छा, इससे ऊपर भी फ्लोर 77 फ्लोर है। 77 फ्लोर पे हम लोग आ चुके हैं इस समय। एंड दिस इज बेसिकली ऑब्जर्वेशन डेस्क जहाँ से हम पूरा हांगकांग सिटी इस समय देख सकते हैं। कंप्लीट स्काई टचिंग बिल्डिंग्स, जस्ट हैव अ लुक। बेसिकली वन साइड ऑफ द हांगकांग। एक तरफ का व्यू दिख रहा है। अभी हम और ऊपर जाएंगे रिवॉल्विंग फ्लोर पे, विच इज 84 फ्लोर, राइट। सो उस पे जाके दोबारा से देखेंगे एक बार पूरा हांगकांग। सो ये इस समय व्यू ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी इस पर बैठे हों, एरोप्लेन में या फिर हम किसी ड्रोन से हम शॉट ले रहे हो। दिस इज एज गुड एज अ ड्रोन शॉट। तो मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। पूरा सिटी दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज दिखाई दे रहे हैं, विच इज वेरी नाइस व्यू। वेदर इज वेरी प्लेजेंट अगेन। आज भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और 26 इन नाइट। सो यहाँ पे धूप भी निकल रही है पर फिर भी यहाँ पे बाहर प्लेजेंट ही है। हम अभी मॉर्निंग में भी एक राउंड लगाने नीचे मार्केट में गए थे तो इट्स अ वेरी प्लेजेंट। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड भी है। देर आर वेरी सेल्फी पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए। सो नॉर्मली दिस इज बेसिकली टिकेटेड, इस बिल्डिंग में लोग टिकट लेके आते हैं, बट सिंस हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए हैं सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर अस टू हैव अ व्यू ऑफ एंटायर सिटी फ्रॉम टॉप फ्लोर्स। मेट्रो लाइन, आई कैन सी मेट्रो लाइन आल्सो, यू देखो, राइट, गुड। आई थिंक वो एयरपोर्ट वाली रोड है जिससे हम आए थे और फिर सिटी के बीच में लेकर हम पहुंचे। सो ओवरऑल और रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जहाँ भी गए हैं कोई पैच नहीं है, कुछ नहीं है, रोड्स बहुत वेल मेंटेन्ड है। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, कहीं मेरे को कोई टूटी हुई सड़क नहीं दिखाई दी पूरे कल। हम ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर हमारा होटल जो दूर है एयरपोर्ट से, तो पूरी रोड प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड। इनफैक्ट हम कल मार्केट में बहुत घूमे, वहाँ पर भी रोड अच्छे से मेंटेन्ड है, मार्केट बहुत अच्छे से हाइजीनिक मेंटेन्ड है। बैंकॉक आते हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। आई विल हाईली रिकमेंड दिस बिल्डिंग, राइट, दिस होटल बेसिकली, क्योंकि कुछ कुछ तो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है जो आपको, इसके लिए आपको पे नहीं करना है, राइट। यहाँ पे इनका एंटीक म्यूजियम टाइप भी है, यहाँ पे इनके जैसे इंडिया में हमारे होते थे पुराने, इधर दिस साइड यू कैन सी वन मोर काइंड ऑफ एन ओल्ड एंटीक थिंग्स जो यहाँ पे यूज़ होती होंगी पहले। सब एक बार नाइट में भी आएंगे यहाँ पर और नाइट में आकर भी देखेंगे कि कैसा व्यू है। एक बार हम नाइट में आकर भी देखेंगे कि लाइट्स के साथ कैसा व्यू, अभी तो दिन का व्यू है, नाइट में कैसा लगता है जब लाइट्स ऑन होंगी सारी। ब्यूटीफुल सिटी, बट मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी कम लग रही है, सब जगह बिल्डिंग्स हैं, ग्रीनरी कम है ना। ग्रीनरी आउटस्कर्ट्स में थी जब हम वहाँ पे लैंड करने वाले थे प्लेन की, तो आउटस्कर्ट्स में वहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी, इनसाइड सिटी लेस ऑफ ग्रीनरी एंड मोर ऑफ buildings।
Wow, complete floor is scenic. It's kind of a museum, mini museum, or see a Bangkok gallery they have made. So this is the last stretch. ऑलमोस्ट पूरा सर्कल लगा लिया है हमने बैंकॉक का. सो दिस इज हाउ इट लुक्स इन नाइट, देख रहे हो नाइट में ऐसा दिखाई देता है बैंकॉक. सो वी सी टाइपराइटर आल्सो, आई थिंक पुरानी चीजें रखी हुई हैं संभाल के. टीवी है, पुराना टीवी है, एंटीक टीवी है, टीवी हमारे टाइम के फोन जब हम छोटे थे. आई थिंक ये उनकी कोई रॉयल फैमिली है. कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, आई थिंक ये केरोसिन वगैरह के डब्बे हैं. मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, किचन रिलेटेड ऑल थिंग, ऑयल, बेबी ऑयल, सिंगर, टेलरिंग मशीन. ये आई थिंक जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया में बाबा जी का बायोस्कोप. हाँ बायोस्कोप नहीं, इसके अंदर शायद मूवी. हाँ बायोस्कोप है आई थिंक, मूवी देखते हैं. ये टुक टुक है यहाँ की, टुक टुक सफारी. सो बेसिकली बैंकॉक में अगर आपको लोकली कहीं विजिट करना है तो लोग इसमें जाते हैं और इसको ये लोग टुक टुक बोलते हैं. ई रिक्शा, ई रिक्शा जो आपको यहाँ हर जगह मिल जाएगी. तो सिर्फ कर दिया.